अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हसन नगर महमूद नगर इलाके में आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर पानी की बड़ी परेशानी है, ड्रेनेज का पानी लगातार बह रहा है जिससे बीमारी के आंदेशे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ के मुकामी लोगों ने क्राइम टुडे के जरिए ये सारे तफसीलात बताई और हुकूमत से और मुकामी लीडरों से गुजारिश की कि इनके मसलों को जल्द से जल्द हल किया जाए। तकीउर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। पानी आ रहा तो अंदर तक चलने को नहीं आ रहा है, पूरा ऐसा उबलते ढकना ऊपर आ जाते वो। पानी नहीं आया तो मालूम नहीं आ रहा, पानी आने पर अंदर तक। अली भाई, ये बन गए बाद में भी पानी भाई के अंदर घुस जाता है। ये मेनो ला, ये ले पूरे घर के, जल्दी आके मट्टी साफ नहीं करते भरिया वाले। वहाँ भी देखे साथ में पूरा पानी की उठा उठा के फेंकना पड़ रहा, कितना दिन फेंकेंगे उठा उठा के पानी। पानी आया तो पानी बरसात का आया तो पूरा रुक जाता है, तो जहाँ रास्ता ही नहीं है कि जाने कैसे देख रहे, पूरी भट्टी भरी हुई, पूरी भट्टी भरी हुई है देख रहे, परेशानी हो जाए, पूरा चलने को नहीं आ रहा, पैर रखने नहीं आ रहा देख रहे। अस्सलाम वालेकुम, ये अनवर मुस्तफ़ा की गली से बोल रहे हैं हम लोग। पानी नहीं आ रहा यहाँ पर, 4 साल हो गया पानी नहीं आ रहा, बच्चे उठा के ले लेके आना पड़ा, घड़े उठा के ले जाना पड़ा कर रहा, छोटे छोटे बच्चे है, मोहरियाँ भी भर जा रहे हैं यहाँ पर, कैसा होना। कितने दिन से पानी के वास्ते जा रहे आ रहे, फिल्टर कुछ जा रहे, वहाँ पर प्रकाश गौड़ू के पास भी गए और हसन उसको दारू सलाम को भी गए, सब जगह गए, तभी बोले हाँ आ रहे हम देख रहे, बोले आके कारपेंटर देख के गए, हम कराते काम बोल रहे करा रहे भी नहीं। उधर नाला बंद हो गया तालाब की तरफ और पानी भी नहीं जा रहा इधर से। कौन सा तालाब है? मीरा आलम तालाब, पीछे दीवार के पीछे नाला बन गया, उधर ब्रिज के ऐसा नाला बना दिए, यह हमारा पानी रुक गया, मोरियों का पानी भी नहीं जा रहा, घरों में पानी भर जा रहा। आलम तालाब के तरफ निकलीस रोड है ना, वहाँ पर नाला बना रहे तो इधर की मोरियों का पानी रुक गया, हमारा घरों में घुस जा रहा पानी, वो नाला साफ कराए तो खुला है तो हमारे पानी आ जाते दीवार के पीछे से, कितने लोग आ रहे देख रहे, बंद है बोरे, खाली पानी जरा भी फेंके तो घरों में घुस जा रहा, और पीने का पानी भी वो इस नालियों में से आ जा रहा है। लोग लड़ ले रहे, बोलो खाली आओ, आजू बाजू वाले बस्ती वाले लड़ ले रहे, हमारे कने पानी आ रहा, तुम्हारे कने पानी आ रहा, बोले अब बच्चे वो इस पानियों में से जाना आना हो रहा, अब कैसा करना, पानी पीने का पानी भी नहीं मिला, रोज 50-60 रुपए का पानी मंगा के पीना पड़ा, आदमियों के काम आनी है, एक तो ये बंद रहने से हमको पानी बहुत मंगा के पीना पड़ा, रोज डेली 50 रुपए का पानी मंगाना पड़ा, वही पैसे रहते हमको सालन को तो भी काम में आते, क्या करना बोलो, कितने दिन पानी मंगा के पीना हम, फिर नलों के बिना तो बंद नहीं जरूरत है। और वो क्या बोलते हैं, सब दारू सलाम को गए, TRS के पास गए, फिल्टर को गए, 100-100 बार गए तो भी कोई भी आके कुछ कर रहे नहीं, कुछ देख रहे नहीं, यहाँ पे पानी खत्ता ही आ रहा नहीं, और क्या बोल रहे हैं, पैसे देके वहां से लियो, कलेक्शन वहां से लियो, कहां से भी कलेक्शन लिए, कहां से भी पानी लिए, तो वो इस पाइप में से पानी आने का है, दूसरी तरफ से तो आता ही नहीं, कहां से लाना, 3-3 हजार 4-4 हजार पाइपलाइन बदलाते बोल रहे, पाइपलाइन कोने तक देते बोल रहे, खाली समझा रहे हैं भेज रहे हैं, खाली समझा रहे हैं भेज रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, और पानी को खर्च करने भी गए तो कोई भी पानी भी नहीं दे रहे, कितना देते हैं, और बिल तो भरना बहुत जरूरी है, हम नहीं भरे तो नहीं भरे, हमारे बच्चे भरना है, क्या करना बोलो। कब से नहीं आ रहा हमारा पानी? पानी कम से कम 4 साल से पानी नहीं आ रहा हमारी गली में। फिर आप कंप्लेन नहीं करें? कंप्लेन करें, सब करें, सब जगह फिर मोहरियों के वास्ते फिर हर जगह जा रहे हैं, हर जगह कोई भी खाली मुंह पे हाथ फिरा रहे हैं भेज रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अरे औरत आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या करते हैं बोले, सगा दिख रहा, आ रहे हम जाओ आप लोग, आ रहे हम कल आ रहे हैं बोलते, कल आ रहे हैं बोलते, खाली ठंडी छाव में बैठ के काम कर लेके निकल जाते, उनकी औरतों को तकलीफ हुई तो जब मालूम होता था।
नल के बिना भी नहीं भरते, नल के बिलाऊंगे तो खटके मार मार के लग जाते, लाइट वाला जैसा लग जाता वैसा लेते। लाइट वाले से तकलीफ नहीं है मगर नल वाले से बहुत तकलीफ है हम लोगों को। बिल तो चुकता रहे क्या नहीं, बिल कैसा भरना, हमारे पास खर्चे कुछ पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, तो बिल भी भरो बोलो सख्ती कर रहे कैसा करना। बाहर का पानी ला के पी रहे, बाहर का पानी कितना पीना बोलो, लोगों से पानी कितना लाना, मोरिया का पानी पूरा वेस्ट पाइपों में आ रही, गंदी बुआ आ रही, वॉशिंग मशीन का पानी आया, सारा पानी नालियों का घरों में पूरा पीने के वास्ते पाइपों में। कौन भर रहे हमारे पैसे भरो बोल के, कौन भरो बोल रहे बोल तो गवर्नमेंट वाले बोल रहे, नाला वाले बोल रहे दियो बोल के। नल का बिल को तो सख्ती कर रहे कैसा भी, क्या करना, अब नल का बिल भरना जरूरी है। मगर हम लोग तो ये तालाब के अलावा कहीं भी नहीं भरते, देखो कितने भी बिल चढ़े हुए हैं मगर नहीं भरते। देखो पानी आया तो बराबर बिल भरते, पानी नहीं आने वाले से बिल नहीं भर रहे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं रजिया बेगम बात कर रही हूं हसन नगर से। हमारे घर पे बहुत पानी की बहुत तकलीफ है, घरों में पानी भर जा रहा, उठा उठा के फेंकना पड़ रहा हमारे को पानी। कितने जनों को बोल के जाके आओ आ रहे अम्मा आ रहे, बोले मोरिया वालों को बोले सबको फोना करके बताओ अम्मा आके भिजा रहे आ रहे, तुम जाओ आ रहे बोल के यही बोल रहे। अभी तक 8 महीने से मेरे घर पे पानी भरे हुआ है, उठा उठा के फेंकना पड़ रहा। हम लोग पानी फेंके तो लोग बोले घर के सामने पानी आ रहा, बोलते किसको बोलना बोलो, किसको बोलना बोलो। 4 साल से मैं घर में पानी नल का पानी भी नहीं आ रहा, जिसे ये निकाल रहे डीडी भर के लोग बोलते गवर्नमेंट यहाँ पर गए थे फिल्टर के पास, गए थे हम लोग फिल्टर के पास जाके, उन्होंने क्या बोले मानू नहीं अम्मा आता जो पानी आता तो बाहर से ले लो, बोले अभी तक लोग 3-4 नला लिए तो उसमें भी पानी नहीं आ रहा। हाँ ले रहे बोले, दूसरे जाने क्या कर रहे पैसों की जरूरत है लोगों को, पैसे खर्चों को नहीं है तो क्या करे, वो नालों में से वो नल मार के ले लो पानी बोल के बोले, पैसे 1000-1000 ले ले रहे नलों में से पानी ले लो बोले, उनके घर में पानी आ रहा, हम लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा। कौन ले रहे पैसे, दूसरे लोग ले रहे, बीच वाले खा ले रहे पैसे, उन लोग खर्चे नहीं है ना पैसे, 3 महीने से बाजार बने उनके ना पैसे नहीं है। ये हम लोगों का नल की इतनी परेशानी है, पानी पूरा गलीज आता उसके बाद में आते ही नहीं पानी, नहीं सो हम ना 4 साल से रह रहे, खाली नल की बिल भरो भरे, नल की बिल भरो भरे, नहीं तो नल काट देते, बे तो काट दिए तो परवाह नहीं हम लोग को, नलों से तो टेंशन नहीं है, पानी नहीं मिल रहा हमारा लोगों के हम जाके मन के पी रहे। और मोहरियों को हमारे सामने वालों का नहीं, हम आकर नहीं पूरे पूरे घरों में पानी, पूरी सड़ी वो गंदी पूरा पानी बाहर फेंक रहे तो उल्टिया, और छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर तो इतने हैं कुछ पूछे ना, अगर आप लोग आके देख सकते तो मगरिब के बाद में आओ, या नहीं तो जर्रा मगरिब से पहले आए तो मालूम होता आप लोगों को। कौन सा एरिया अम्मा ये? ये हसन नगर महमूद नगर अनवर मुस्तफा के पास, मामू की दुकान के पास है, नीचे डाउन में है, बहुत परेशानी है। आप लोग जरा आके देखो, नलों के बिलाम भरो, नलों के बिलाम भरो भरे, मोहरियों के पैसे भरो भरे, मोहरियों साफ ना नल साफ, आखिर जवान बच्चियां हमारे शादी बच्चियां रहे तो बच्चियों को कैसा भिदा ना बोलो, रिश्ते आते ऐसा लो माँ पानी को गए थे, यहाँ पानी को गए थे, माँ ठहरे थे यहाँ ठहरे थे, बल्कि कितने पंचायत होते कौन आते रिश्ते, रिश्ते नहीं आते, लोग नहीं लेके आते रिश्ते, आखिर बच्चियों को रख लेके बैठो बोले तो रख लेके तभी बैठ जाते हम लोग। हाँ बहुत परेशानियां है हम लोगों को, आके देखो आप लोग उधर रह रहे हम लोगों को इधर परेशानी में, क्या बोले तो किराया से कहीं कुछ जाती रहना बल्कि ले जाती बेकार घर है, ये बहुत परेशानियां है नलों की और मोहरियों की, लाइट की टेंशन नहीं है हम लोगों को, खाली मोहरियों की नल की बहुत है, और मोहरियां है तो घरों में भर जा रहा, नला है तो आ रहे नहीं, वो बोरिंग बिचारे कौन डाले कि उनको अल्लाह अच्छा रखो, बोरिंग का पानी इस्तेमाल करे तो वो भी मोहरियां घरों में भर जा रहा पानी। जरा आप लोग आके देखो भाई, आप लोगों को सवाब होता, बहुत शुक्रिया होता आप लोगों का, आके देखो आप लोग। हसन नगर महमूद नगर में हमारे घर नीचे डॉन में बहुत पानी की तकलीफ है, खाली एक दिन के बारिश में हमारे घर में पानी घुस गया पूरा, इतने लॉकडाउन में भी हम लोग 1200 रुपए दे के खाली कराए, फिर एक ही दिन अच्छा रहा फिर घर में आ गया, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को पानी भरने भी नहीं आता, मेरा बच्चा भरता, और जरा आके आपकी गुजारिश है कैसा भी कर हमारे इतना एरिया को सही कर दो, जरा बारिश में पूरा पानी घर में घुस गया हमारा, अगर ये 4 महीने अगर बारिश रहा तो हमारे घर भी डूब जाते, हमारे बच्चे भी डूब जाते, और बोलते जरा आप 2-3 दिन के अंदर ये करा दिए तो बहुत अच्छा रहता, आप मेहरबानी। लॉकडाउन से पहले से 3-4 महीने खोद के रख दिए थे, खोद के रख दे के बाद में से लॉकडाउन हो गया बोल के बंद कर दिया, पूरे कुछ पानी मोहरियों में नहीं जा रहा, वो इस पानी नल में आ जा रहा हमारे, अब पानी भी पीने के ऐसे मुसीबत है, पहले से हम मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बच्चा पानी भरता स्कूल को छुट्टियां करके घर में थे भर रहे थे, अब बाद में से इतनी मुसीबत हुई तो कौन ला के देते, कमाने वाले 1 जने हैं, खाने वाले 6-7 जने हैं, अब बीमारियों को पैसे डालेंगे, मोहरियों को डालेंगे पैसे। ऑपरेटर साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जल्द से जल्द 1-2 दिन में काम कराइए,
अब तो बारिश के दिन स्टार्ट होने वाले हैं, हमारे घर में पानी भर जाएगा, बैठने भी नहीं आएगा, उठने भी नहीं आएगा, पूरे घर डूब जाएंगे। आके यहाँ पे कोई करिए कॉपरेटर साहब करिए यहाँ के आके, यहाँ तो कोई आता ना कोई जाता। और पहली बात, ये जो मेन कनेक्शन वाला नाले का जो कनेक्शन है ना, उन लोग वहाँ से ब्लॉक कर दिए। अब वहाँ से खोले तो पानी जाएगा हमारा, वही रिक्वेस्ट है कि वो खोल दीजिए, हमारा पानी पूरा चले जाएगा वहाँ से। और ये एरिया हसन नगर, महमूद नगर, राजेंद्र नगर से अनवर मुस्तफा मजिद के बैक साइड से बात कर रही हूँ मैं। प्लीज यहाँ जल्द से जल्द काम कराइए। अल्लाह कौन बड़े साहब है कि उनको मेरा सलाम। साहब आप मेहरबानी कीजिए, मैं लंगड़ी हूँ, मजबूर हूँ, मेरा लीवर फटे हुआ है, मैं पानी का घड़ा नहीं उठा सकती। मेरे घर का ने महमूद नगर है, नहीं महमूद नगर, हसन नगर में मेरे को बहुत तकलीफ है, मच्छरों से और पानी से, मोरियों से इतने मच्छर है कि रात हुई तो हम बाहर निकल भी नहीं सकते। हमको पानी की बहुत परेशानी है, पानी और मोरियों की, और इतना गंदा पानी आता है जैसे कि गटर में आए वैसा आता। आप लोग आते बोलते हैं, आते नहीं, करते नहीं, हमारे ऊपर जरा नजरे करम डाली है आप। हम वोट आपको ही डालते ना साहब, पानी का आप करा देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी साहब। घरों में पानी भर जाता, घरों में बैठ नहीं सकते हम गरीब लोग साहब, जगह जगह से पानी के जिर्रे फूट जाते, हम खाएंगे क्या, हम करेंगे क्या। आप ये मेहरबानी करेंगे तो बहुत शुक्रिया आपका। पानी जरा साहब अच्छा छोड़िए साहब, क्या पानी खरीद के पियेंगे तो हमको पैसे होना पड़ता ना साहब। मेरे को तो कमाने वाला कोई नहीं है, दो बेटियां चाहे उनके भी शादियां हो गए, मैं अकेली हूँ। देखो साहब वो सब आते वोटिंगों के टाइम पे, सब आते जी भाई, हमको वोट दो, हमको वोट दो, जिसको डालना उसको डालते ही चम, नहीं बोल के नहीं। लेकिन हमारी भी प्रॉब्लम आप देखना ना, होने वाले हैं अब आके हमारे हसन नगर में, एक नजरे करम डालो आपकी, बहुत मेहरबानी होंगी बेटा आपकी। मैं दुआ करूंगी आप, नमाज में भी दुआ करूंगी और रोज उठते बैठते भी दुआ करूंगी। पानी की तकलीफ दूर करो हमारे को और मोरी की तकलीफ दूर करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज। दिस इज सक्सेस जूनियर कॉलेज। सक्सेस जूनियर कॉलेज, academic excellence with reasonable fee structure, excellent highly qualified faculty, well furnished and hygienic classrooms. I'm Partha Sardi, principal Success Junior College. Nowadays all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.